जिस तरह तालाब में उतरे बिना उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी तरह आवाम के बीच जाए बिना उनके विचारों को जान पाना बहुत मुश्किल है। आवाम की आवाज में हम निकलते हैं आवाम के बीच, उन्हीं से जुड़े हुए मसलों पर उन्हीं की राय जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी, मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे नौजवान की, उस नौजवान की जो देश को आगे की ओर यानी कि विकास की ओर ले जाने में एक अहम योगदान निभाता है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है एक नौजवान को पुख्ता बनाने में, विकास की ओर ले जाने में बहुत अहम किरदार निभाती है। और एक सही शिक्षा तय करती है समाज में एक इंसान का, एक नौजवान का किरदार। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में सबसे अहम रोल निभाते हैं माँ बाप, यानी कि उस कच्ची मिट्टी को, उस बच्चे को पकाने का काम करते हैं और समाज के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे स्कूल की, हमारे समाज की, हमारे कॉलेजेस की, जो अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, नौजवान को एक कहा जाए इस लायक बनाते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सके, दुनिया में देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन कुछ ऐसे मसले आते हैं, कुछ ऐसे जगहें आती हैं जहां पर नौजवान अपने रास्ते से भटक जाता है, कई और बुरी चीज़ों में फंस जाता है, चाहे वो बुरी चीज़ें नशे से जुड़ी हों, डिप्रेशन से जुड़ी हों, या उन्हीं से जुड़ी, नौजवान से जुड़ी कई चिंताएँ हों, या ऐसी ही कई परेशानियाँ हैं जिससे उनको गुजरना पड़ता है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह शिक्षा का स्तर है? क्या शिक्षा में कुछ कमी है जिसकी वजह से जो नौजवान है वो गलत रास्ते की तरफ चल देता है? इसी मसले का हल ढूंढने हम निकले हैं। आवाम की आवाज़ में आपको हर स्तर पर हम शिक्षा के हर स्तर की जानकारी देंगे, माँ बाप से लेकर स्कूल, समाज और कॉलेज, यानी कि आवाम की आवाज़ के अगले कई एपिसोड में इन सभी पायदानों के बारे में हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे माँ बाप से कि माँ बाप शिक्षा में बच्चों को क्या योगदान निभाते हैं, यानी कि माँ बाप जो हैं बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं एक अहम सीढ़ी है बच्चों को समाज के लायक बनाने के लिए। आइए कुछ माँ बाप से बात करते हैं, उनके विचार जानते हैं। आइए चलिए अब बात करते हैं एक नौजवान, एक बच्चे की जिंदगी में सबसे पहले गुरु की, यानी कि उसके माँ बाप की। कुछ माँ बाप हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो एक बच्चे की ज़िंदगी में, यानी अपने बच्चे की ज़िंदगी में किस तरह की शिक्षा देते हैं और क्या रोल निभाते हैं। माँ बाप जो हैं उनको टीचर बनने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उनके अपना एक्शन, अपना सोच विचार ठीक रहता है तो बच्चा अपने आप सीख जाता है, उनको स्कूल की तरह कोई टीचिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके जितने भी एक्शन हैं वो बच्चा इनकलकेट कर लेता है विदाउट टीचिंग। सो मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग इज भी अगर आप बच्चे के सामने सच्चाई से रहो, जो कुछ आम आदमी सीखता है बाहर से, दैट इज़ झूठ, फ्रेब, ठगी, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप बच्चे को मॉडल रोल बन के सिखाते हो। टीचर जो है स्कूल में वो टीचिंग सिखाता है, वेरियस सब्जेक्ट सिखाता है, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइंस, कल्चर, बट जो बेसिक नींव है वो नेचुरली बच्चा घर से ही सीखता है। बच्चे को आप अच्छे संस्कार दोगे तो उसको कोई टीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको कुछ ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके एक्शन ठीक हैं तो मेरे हिसाब से बच्चे को कोई स्पेशली बताने की ये करो या ना करो। सेकेंड, आपने क्वेश्चन पुट किया था भी बच्चे को आप कितना इंडिपेंडेंस दो ना दो, मेरे हिसाब से आप जितना उसके साथ फ्रेंडली रहोगे, जितना उसके साथ वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा, अगर आप उसको डर में रखोगे, उसको आप कोशिश करोगे भी ये ठीक है गलत है, तो वो कई चीज़ें आपसे झूठ बोलेगा। तो बच्चे को पहले दिन से जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, सो दैट बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आ जाए भी वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी चीज़ शेयर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा शराब पीता है तो उसको आपको इतना ही बताना है, बच्चे अगर पीना है तो घर में बैठ के पियो, सो दैट एटलीस्ट वो समझ जाएगा भी सेंसिबल तरीके से लाइफ लीड करनी है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको कोई स्कूल में ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने आप ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर एक दफ़ा उसके एक संस्कार, उसका कल्चर, उसका ध्यान इन चीज़ों से पड़ गया भी हाँ व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, देन आई थिंक वो लाइफ में कभी मार नहीं खाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, कई बार हमारे द्वारा दी गई आज़ादी का बच्चे गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक देम कम एंड सिट डाउन विद यू एंड टॉक टू देम, एंड
explain to them what you have done is wrong. But if the children, you know, if they're on the wrong path, it's better to tell them what is wrong. And all children are very innocent. You have to teach them very nicely. बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें सही तरीके से समझाने की ज़रूरत होती है, सही तरीके से अपने विचार उन तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी में माँ बाप किस तरीके का रोल प्ले करते हैं? बच्चों के मेन रोल तो माँ बाप ही प्ले करते हैं बच्चे की ज़िंदगी में। जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। और फिर हम लोगों को भी बहुत सोच समझ के, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी, बच्चे मेरे अब बड़े हो चुके हैं, तो दोनों बच्चों में मैंने डिफरेंस देखा है। एक बच्चे के साथ, बेटी के साथ मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो ठीक रही, पर अब वो मुझे बोलती है कि मम्मा आप यहाँ पे मुझे ये क्यों नहीं करने देते थे, तो अब मैं वो रिपेंट करती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया। और मेरा बेटा, उसको थोड़ी बहुत आज़ादी दी तो वो थोड़ा इधर उधर भटका, फिर उसको ये सब ठीक करने के लिए मेरे हस्बैंड ने, उसके साथ वो ट्यूशन में बैठते थे, वो बैठता था आगे, मेरे हस्बैंड पीछे बैठते थे, और फिर मतलब उन्होंने 2 साल उसको एक लाइन में लगाने के लिए कर दिए। यानी बच्चों के लिए सख्ती ज़्यादा ज़रूरी है उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए? नहीं, सख्ती नहीं, प्यार और मतलब बराबर दोनों। जब देखते हैं कि बच्चा थोड़ा भटक रहा है तो उसके लिए स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर भटक रहा है रास्ते से तो थोड़ा उसको थपकाना, थोड़ा उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करना बिल्कुल जायज़ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब आपका बच्चा आपकी आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? एक्चुअली व्हाट आई फील कि जब ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है, मेरे सामने तो खैर आज तक ये सिचुएशन आई नहीं, लेकिन अगर बाय चांस आती है तो बच्चे को बड़े मैच्योरली, बड़े प्यार से, बड़े पॉजिटिवली समझाना चाहिए। तो आई थिंक बच्चा उसमें, एंड यू कैन गिव योर ओन एग्जांपल, यू कैन कोट योर ओन एग्जांपल्स एंड ऑल दैट, तो आई थिंक बच्चा समझ जाता है। अब बात करते हैं बच्चे के भविष्य की, जो कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य बने, सुधरे और समाज में अपना नाम बनाए। लेकिन क्या माँ बाप का क्या होता है कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, जब एक प्लानिंग चल रहा होता है, तभी से माँ बाप उसके लिए सपने बुनना शुरू करते हैं कि मेरा बच्चा ये बनेगा, तो आपको लगता है कि बच्चे का करियर खुद डिसाइड करने के बजाय उसके शौक जो हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वो किस और जाना चाहता है? बस बिल्कुल, उसके पूरे शौक पर जाना चाहिए कि बच्चा किस तरफ, क्या बच्चे को अच्छा लगता है और ये कौन सी लाइन पकड़ना चाहता है, उसे फोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी। आवाम की आवाज़ में आज हम निकले हैं माँ बाप से मिलने, यानी कि बच्चे की ज़िंदगी में माँ बाप एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, उसके शिक्षक के तौर पर, उसको समाज में एक लायक इंसान बनाने के तौर पर। कुछ पेरेंट्स से हमने बात की और एक फैमिली, बहुत ही क्यूट से पेरेंट्स माँ बाप हमारे साथ हैं। आपका नाम जानना चाहूँ। निधि, आपके कितने बच्चे हैं? वन डॉटर। कितने साल की? 12 ईयर्स। 12 साल की है। तो कैसा रहा सफ़र उनके पैदा होने से पहले से लेके अब तक का? टोटल सी चेंज ऑफ लाइफ, पूरी आपकी लाइफ बदल जाती है। इट्स ब्यूटिफुल, एट द सेम टाइम इट्स स्ट्रेसफुल, एंड यू एज मच एज यू एंजॉय इट, इट्स अ जर्नी इन इटसेल्फ। एज अ फादर, एक पिता होने के नाते आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए आपकी प्रिंसेस आने के बाद? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले एकदम मज़े से ज़िंदगी निकलती थी और अब जिम्मेदारियां आ गई हैं। जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई हैं, नॉट दैट पहले नहीं थी, बट ज़्यादा आ गई हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो, सारा टाइम यही रहता है दैट हाउ कैन आई स्पेंड टाइम विद हर, बिकॉज दैट बिकम्स डिफिकल्ट यू नो फॉर अ प्रोफेशनल। बट एनीवेज वो झुलझते रहते हैं हम अपने आप से कि कितना टाइम निकाल सकते हैं, क्या टाइम जो निकाल रहे हैं वो इनफ है या नहीं है। So, इस चीज़ का कैसे पता लगाते हैं कि जो आप टाइम बच्चों को दे रहे हैं वो उनके लिए सफिशिएंट है या नहीं? आई डोंट थिंक यू कांट मेजर द टाइम दैट यू आर गिविंग टू देयर चिल्ड्रन। जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं उतना कम है, बट एक एज के बाद जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं वो उनके लिए ज़्यादा हो जाता है। तो स्टार्टिंग स्टेज जो बच्चे की होती है वो बहुत ज़रूरी होती है उसको सही रास्ते पर ले जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपनी डॉटर को किस तरीके से, 12 साल की हैं वो, क्या क्या उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए उनको संभालते हुए, उनको शिक्षा देते हुए? बेसिक वैल्यूज़, ऑनेस्टी, वो हर पेरेंट्स सिखाते हैं, ऑनेस्टी, यू नो, डिसिप्लिन,
ऑन अ डेली बेसिस जो आप खुद करते हैं वो आपके बच्चे सीखते हैं, वो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते जाते हैं वैसे वैसे वो सीखते जाते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू टीच अ चाइल्ड। एंड बिसाइड्स दैट, येस, यू हैव टू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस के वो आपके पास किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए बिना झिझके आपके पास आ सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। एक फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि माँ बाप का बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मेरे को ये लगता है कि बिकॉज फ्रेंड्स ही ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई कन्फाइड कर सकता है, कोई बेझिझक बात कर सकता है। पेरेंट्स के साथ एक हिच हो सकती है, बट अगर आप फ्रेंडली ट्रीट करो अपने बच्चे को तो आई एम श्योर वो कोई चीज़ आपसे छुपाएंगे नहीं, आराम से बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड होना सबसे पहला है मेरा मतलब। ऑनेस्टली आई थिंक इन टुडेज टाइम द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट किड्स हैव दीज डेज, जो प्रॉब्लम्स बच्चे आजकल फेस करते हैं वो हम नहीं करते थे, जो एक्सपोजर उनके पास है वो हमारे पास नहीं था। एंड वेदर दे आर इन द राइट कंपनी, दे आर डूइंग द राइट थिंग्स, इफ दे कैन नॉट कम एंड टॉक टू यू, यू विल नेवर नो वॉट योर किड्स आर डूइंग एंड वॉट दे आर अप टू, वॉट इज द कंपनी दे हैव। इफ दे कैन नॉट हैव दैट स्पेस एंड कॉन्फिडेंस टू टॉक टू यू, यू विल नेवर नो वॉट दे आर अप टू। बहुत ज़रूरी है एक फ्रेंडली बिहेवियर, ताकि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के साथ जुड़ सकें, वो क्या चाहते हैं उसी से वो जुड़ सकें। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चों को आज़ादी देना ज़रूरी है, हम सभी इस चीज़ के लिए बात करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आज़ादी देना ज़रूरी है, आज़ादी के साथ सख्ती करना ज़रूरी है, या इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए? बैलेंस, इट इज़ ऑल रिलेटिव। आप जहाँ समझेंगे आप सख्ती ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ क्या पता आप नहीं कर रहे। कहीं आपको लगेगा सख्ती हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ बच्चे को लग रहा होगा आप सख्ती ज़्यादा कर रहे हैं। सो ये रिलेटिव है, ये आप कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, वो डेस्टिन्ड होता है जो होना है, लेकिन आप अपने जितना आप अपने कैलिबर अपनी थिंकिंग से कर सकते हैं, कॉन्शियस क्लियर करके कर सकते हैं, करना चाहिए। यू नो एज दे से, पेरेंट हु डज नॉट कम विद बुकलेट। सो जब आप खुद माँ बाप बनते हैं, जब आप जैसे जैसे आप बच्चों के साथ, आप जैसे आपका बच्चा ग्रो करता है आप वैसे ग्रो करते हैं। बच्चे आपको खुद सिखा देते हैं बहुत सारी चीज़ें, बच्चे आपको सिखाते हैं बहुत कुछ चीज़ें, आप उन्हें सिखाते हैं। सो इट्स अ ग्रोथ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। हम बात कर रहे हैं माँ बाप द्वारा बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में, उसके स्तर के बारे में। आज हमारे साथ बहुत ही क्यूट सी ममीज़ हैं जो अपने खाने में बिजी हैं, टिक्की चाट में बिजी हैं। कैसी हैं आप? बढ़िया। आपका नाम? डॉक्टर प्रभा वर्मा। डॉक्टर प्रभा वर्मा जी। सोनिया छिब्बर। ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा, ओके। सो आप तीनों माएँ हैं। अभी मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि माँ बनने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपसे वंडरफुल। वंडरफुल। माँ बनने का एक्सपीरियंस ऐसा रहा जैसे मैं अपने चाइल्डहुड को दोबारा से जी रही हूँ। अरे वाह। हाँ। अपने चाइल्डहुड को आप दोबारा से जी रही हैं। तो एवरी डे एवरी सेकंड। जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में मतलब फुलफिल नहीं कर पाए चाइल्डहुड में, अपने बच्चों को वो खुशी दे के हमें लगता है कि हम दोबारा से अपनी लाइफ के ना उस गोल्डन एरा को जी रहे हैं, तो अच्छा लगता है। समटाइम ये होता है कि बच्चे, जैसे कि अभी आपने कहा कि अपनी ज़िंदगी को बच्चों में देखते हैं, क्या होता है कि कई बार जो माँ बाप हैं वो बच्चों में अपने सपने जो हैं वो देखते हैं, जो वो बनाना चाहते हैं? नहीं देखते, सिर्फ चाइल्डहुड को देखते हैं। जो अनफुलफिल्ड कुछ रह गई थी डिज़ायर्स उनको फुलफिल करते हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद वो टीनेज में जाएंगे, उसके बाद वो और बड़े होंगे, लाइफ में कुछ करेंगे, उसके बाद हम उनको वैसे ही वैसे फ्री कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, फ्री करना बहुत ज़रूरी है आपको लगता है? उनको, हाँ, उनको बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माँ बाप का बिहेवियर कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। एक माँ को एक बाप को बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए माँ बाप होने से पहले, ताकि बच्चा अपनी चीज़ आपसे शेयर करे सबसे पहले, तो ये उसको काफ़ी स्ट्रेंथन करता है बच्चे को। बेस्ट मीन्स ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड तो आपकी वीकनेस भी बताता है, डांटता भी है आपको, तो मेरे ख्याल से वैसा ही फ्रेंड होना चाहिए। नॉट, हाँ, बेस्ट एंड ट्रू फ्रेंड, बेस्ट एंड ट्रू फ्रेंड। पर समटाइम ये होता है कि जो बच्चे हैं वो आपकी दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल? अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी वो हमारा दौर आना है, अभी क्या करेंगे कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी वो हमारे कहने के अनुसार चल रहे हैं। बाकी उनको अभी हम एजुकेट कर रहे हैं, जो भी लाइफ में है जैसा है वैसा उनको दिखा रहे हैं, सही है गलत है उनको बता रहे हैं। तो डिसाइड तो उन्होंने करना है कि उन्होंने हमारी बात माननी है कि नहीं माननी है। मानेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं मानेंगे तो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे।
अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, आके जो आज गाइड कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। ओके, आज के बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ गाइड कर सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बच्चों को सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत जो है वो शिक्षा की माँ बाप से होती है। माँ बाप एक अहम किरदार निभाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि माँ बाप का कितना रोल रहता है एक बच्चे की ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा, 100% रोल माँ बाप का ही है। अब दोनों माओं के बीच में एक बच्चा बैठ गया है, तो अब बच्चा ही आपसे ये सवाल करने वाला है कि आप बताइए कि एक माँ का एक बच्चे की ज़िंदगी में क्या रोल रहता है? नेचुरली माँ का तो रोल स्टार्टिंग से ही है, फ्रॉम द फेस, जब से बर्थ होता है बच्चे का, है ना, एंड तक ही रहेगा, आगे चाहे बच्चे कैसे भी निकले, है ना, वो तो हमेशा वेलविशर ही रही है बच्चों की, कि भाई हमेशा जब बच्चा कैसे भी है उसका कैरियर ही बने, बस कैरियर के लिए वो हर जगह हर कोशिश करती है, सेक्रीफाइस करती है। अब जैसे हमारे हस्बैंड की जॉब CRPF में है, ये कहीं के ऑल इंडिया कहीं भी घूमते हैं, हमने बच्चों के साथ ही रहना है कि उसका कैरियर खराब ना हो, स्कूलिंग ठीक हो, कॉलेज ठीक हो, उसका एटमॉस्फेयर भी फ्रेंडली बना रहे, घर का भी ठीक रहे माहौल, मतलब कि अबावल की सबसे, मतलब कि मदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अटैचमेंट रहती है उसकी पेरेंट्स के बच्चों के साथ जो है। तो आपके बच्चे अभी कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे तो अभी कोचिंग कर रहा है, मेडिकल की कर रहा है, और जो छोटा बेटा है वो +1 में है। तो करियर डिसाइड करने में कितनी हेल्प आपने की, यानी कि आपने प्लान किया था कि आपके बच्चे मेडिकल में जाएंगे या उनका शौक था कि वो मेडिकल में है? नहीं, उन्हीं का था, बस ये कि हमारा डिसीजन फाइनल नहीं था, उनका डिसीजन फाइनल था, हमारा जो भी बच्चा करेगा अच्छा करेगा उनका फर्स्ट था, कि प्रायोरिटी बच्चों को दी थी, बेटा आप किसके इंटरेस्ट है, जो आप करोगे अच्छा ही करोगे, नेचुरली जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट होगा वो वही करेगा ना, बच्चों पेरेंट्स जो करेंगे वो क्या पता ना कर बच्चा, तो हमने कहा जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही करो। आपको क्या लगता है कि बच्चों को आज़ादी देना कितना ज़रूरी है, और समटाइम जब बच्चे उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो उस सिचुएशन को संभालना कैसे ज़रूरी है और किस तरीके से संभाला जा सकता है? आज़ादी भी एक लिमिट तक होनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि बच्चों को जो कर रहे हो आप, हाँ बस ठीक है आप कर लो, यू आर ऑलवेज राइट, ना पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं, है ना, पर देखिए डिसीजन सबका होना चाहिए, फैमिली का होना चाहिए, फैमिली में बैठ के होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि हाँ भाई क्या बेस्ट है आपके लिए, बस यही है डिसीजन होना चाहिए कि भाई हाँ भाई अच्छा हो, सबके लिए बेस्ट हो, कि भाई बच्चा आगे कैरियर में एक स्टैंड हो सके अपने लिए। नेचुरली पेरेंट्स ने क्या चाहिए कि बच्चा जो अच्छा करे, हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना, बच्चों का जो होगा वो कैरियर अपना स्टैंड करेंगे अपने, जब भी आजकल पता है बच्चों की है कि भाई हमारे को हर चीज़ चाहिए, है ना, जिस तरफ से वो कैरियर बनाएंगे उनको वैसे फैसिलिटी अपनी अवेल करेंगे। यानी माँ बाप की एक ही चिंता होती है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में स्टैंड कर जाए, कुछ बन जाए। जनाब, एक पिता का जो किरदार है वो सबसे अहम और सबसे प्यारा किरदार होता है, क्योंकि जो पिता है प्यार भरी थपकियाँ भी देता है और एक बोला जाए एक डांट भी देता है अगर वो गलत रास्ते पर जाता है। बच्चा गलत रास्ते जाने देना चाहिए, पहले तो हमारा पेरेंट्स का फ़र्ज होता है कि बच्चा असर डिसिप्लिन रहे। देखो मैं इंस्पेक्टर हूँ CRPF में, तो हम डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा डिसिप्लिन बनाए, इधर किसी के साथ ऐसे घूमे ना, और घूमे नहीं कि लिमिट रहे कि एक दो घंटे में आ जाए वापस, और ये कि किसी की किसी को बुरा ना बोले, ये ना बोले, मैंने कहना डिसिप्लिन रहना। मतलब कई बार डिसिप्लिन के चक्कर में बच्चा जो है हमेशा ये शिकायत करता है कि यार पापा तो बहुत सख्ताई करते हैं, पापा बहुत डांटेंगे, लेट जाऊंगा तो पापा बहुत डांटेंगे, डांट के डर से वो कई बार झूठ बोलता है। नहीं, आजकल हमने चेंज किया हुआ है इसका ट्रेंड, जो लाइफ में ना हम बच्चों को गिफ्ट का लालच देना शुरू किया हुआ है ताकि पिता को याद रहे, याद कर उसकी डांट भी खाए, ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि बच्चे भी खुश रहें, हाँ पिताजी बुरा बोलते हैं लेकिन हमें कुछ देते भी हैं, हमें हमारी इच्छाएँ पूरी भी करते हैं, आज डैडी बाज में तेरा जब बर्थडे आएगा तब देंगे गिफ्ट देंगे, अच्छा तुझे ऐसा है। और एजुकेशन भी हम बोलते रहते बेटा अच्छा पढ़ना और दूसरों को शिक्षित करना, हो सके जो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ रहे उसको हेल्प करना। हम भी ऐसा एक, हम जम्मू में हैं अभी, हम वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है एक, तो हम बच्चे देखे उनके चप्पल नहीं है, फिर हम आपस में 500 रुपये कंट्रीब्यूट किए, अभी हम उसको ना हम शूज़ में क्या क्या चाहिए, उन्होंने अपने लिस्ट दिए कि सर जी हमें ये चाहिए, तो हम ये हम आपस में पैसे इकट्ठे किए हैं उसको दे रहे हैं, हम बच्चों को बताया हमने। बहुत बहुत बढ़िया आपकी पहल है कि मासूम बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों का भी ख्याल रखा जाए तो समाज में एक अलग परिवर्तन आएगा। बहुत बढ़िया जनाब, आपसे एक और सवाल यही है कि अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो आप उसे कैसे वापस लाते हैं? नहीं, उसकी काउंसलिंग जरूरी है पेरेंट्स की, उसको समझाना बेटा एक बार गलती होगी आगे से नहीं करना है सर, यही रहेगा।
तो क्योंकि बेटा अब नहीं पता होता तो कोई भाई टीन एंगेज हैं बच्चे, लेकिन उसके साथ रहना भी काउंसलिंग की ज़रूरी है, तो रहे उसके दोबारा मेरे ख्याल नहीं करेगा कुछ ऐसा कोई, और निगरानी रखनी सर उसकी और ज़रूरी है ताकि बच्चा दोबारा फ्रेंडली अच्छा रहे। बच्चों को बातचीत करती रहनी चाहिए कि बच्चों को अकेला छोड़ दे बच्चा तो टीवी देगा, आप बाहर घूम रहे हैं बच्चों को साथ लेकर घूमो, बताएं जी बेटा देखो उनके पेरेंट्स हैं घूम रहे हैं, बच्चे हमारे भी घूम रहे हैं, देखो कितना अच्छा लगता है उनसे बातचीत रखें जा रही, तो सर मेरे ख्याल अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा कि बच्चों पे आप प्यार दें, उनको शिक्षा दें, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरी ये भी है कि आप उन पर सख्ताई थोड़ी सी करें, उन पर निगरानी रखें। ये थी कई माँ बाप की बच्चों को शिक्षा देने की राय, यानी कि वो किस तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको समाज के लिए एक बेहतर इंसान बनाते हैं, ये वो राय थी जो आपने सुनी, जिसमें कुछ पेरेंट्स का कहना है कि फ्रेंडली बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि बच्चों पर सख्ताई करना बहुत ज़रूरी है। आवाम की आवाज़ में शिक्षा का ये एक स्तर हमने जाना जिसमें माँ बाप की एक अहम भूमिका रहती है, सबसे बड़े शिक्षक कहा जाए तो वो माँ बाप होते हैं, अगर माँ बाप जिस तरीके का नेचर अपनाते हैं बच्चे भी उसी नेचर में ढल जाते हैं।